मध्य प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। मंत्री गौतम टिटवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 नए सीएम राइज स्कूल स्वीकृत हुए हैं, तो वहीं 50 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण के कार्य जल्द शुरू हो रहे हैं। मैंने मंत्री पद की शपथ ली और उसके 5 या 7 दिन पहले ही 15 दिन पहले मानो रिजल्ट आया और मैं इस 164 विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुआ। इस 200 दिन के सफर में लगभग 87 दिन आचार संहिता रही और इस आचार संहिता विधानसभा की और लोकसभा की दोनों आचार संहिता के बाद में लगभग 113-114 दिन मुझे काम करने का सौभाग्य मिला और 114 दिनों में मैंने लगभग सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की इबारत लिखने का प्रयास किया। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, विद्यार्थी और जैसा माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, 4 जातियों के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। उन प्रमुख 4 जातियों में महिला, युवा, किसान और मजदूर। क्या 28 करोड़ का था, आगे और भी करा लूँगा। अपन है माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी है तो हम आगे भी राशि मिलती रहेगी। कैलाश जी ने कल ही मुझे भुट्टा पार्टी में आश्वस्त किया है कि तू लेके तो आ, खजाना सारंगपुर की ओर खोल दूंगा। आप सबने पूरी गंभीरता से मुझे सुना, और भी विभाग शेष है पर अपन अन्य अन्य विभाग की बात करेंगे। मैं और अपना सारंगपुर, अच्छा सारंगपुर, स्वस्थ सारंगपुर, क्लीन सारंगपुर बने, क्लीन पचोर बने, पचोर को स्वस्थ और क्लीन बनाए। भैसवा माता जी का मंदिर का उन्नयन का कार्य भी यथाशीघ्र प्रारंभ हो रहा है। हम बाकी की जो भैसवा माता जी की सड़क पहले छोटी थी 3 मीटर की, अब 7 मीटर की हुई, आगे भी उन्नयन करेंगे और जो छोटे छोटे काम बचे में वो जल्दी से यथाशीघ्र पूर्ण करेंगे। सभी पत्रकार साथियों का, जिनका मैं नाम नहीं पुकारा, विश्वकर्मा जी पीछे बैठे हैं, मेरा छोटा भाई है अनुज है, मेरे सामने बड़ा हुआ है, गोद में खेला है, इसलिए उन जिनके नाम नहीं पुकार पाया उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैष्णव जी, जो भी पत्रकार साथी, हाड़ा बाबू, जो कुछ मुझसे पूछना चाहे, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ, हमें पता ही नहीं है अगला युग क्या होगा। आज की पीढ़ी का जो युवा आ रहा है वो इतना तेज़ी से बदला हुआ युवा आ रहा है, जो कंप्यूटराइज्ड युग में आगे बढ़ने जा रहा है और उस युग में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में हम इतनी तेज़ी से प्रगति करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में, ऑटोमोबाइल के युग में, कल मैं देख रहा था कि आज एक ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है जो CNG और पेट्रोल से चलेगी और एक रुपया प्रति किलोमीटर उसका खर्चा आना, 1 रुपया प्रति किलोमीटर से भी कम खर्चा आना, तो वो ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक के युग में मेरे यहाँ भी, मेरे इंस्टीट्यूट में, मैं जबलपुर जब देखने गया तो मैंने एक देखा कि एक 18-19 साल की आदिवासी बेटी मोटर पंप, नहीं ऑटो पंप को सुधार रही थी। मैंने उससे पूछा उसके लिविंग स्टैंडर्ड कपड़ों को देख के कि बेटा क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा मोटर इंजन है। मैंने पूछा क्या है ये, तो उसने कहा 4 स्ट्रोक इंजन है और इसमें ट्रैक्टर में लगता है। मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैंने पूछा कि आप क्या करोगे आगे चल के, उसने कहा कि मैं वर्कशॉप चालू करूँगी। एक छोटे से गाँव की आदिवासी बेटी ये कहती है कि मैं दुकान खोल करके ट्रैक्टर का और ऑटो पार्ट्स का वर्कशॉप चालू करूँगी। भारत और मध्य प्रदेश तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाकर सिखाने का काम, उत्पादन करने का काम LG कंपनी करने वाली है। वो इंस्टीट्यूट यथाशीघ्र हम मध्य प्रदेश में सारंगपुर में वो ट्रेड चालू करेंगे, ऐसी आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक, ड्रोन आदि के प्रशिक्षण भी हम भोपाल के कार्यालय में देंगे, पर अगर ये मेरा ITI प्रारंभ हो जाता है जल्दी से तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के युवाओं को वो रोज़गार मिले। समय ज़रूर लगेगा पर मैं चाहता हूँ कि कृषि का छात्र होने के नाते कृषि के क्षेत्र में भी अगर हमारा संपन्न किसान है तो वो
क्या बोलते हैं वो ऊपर वाला रोबोट है ना क्या, ड्रोन के माध्यम से हम ये तय करेंगे कि ये 50 बीघा जमीन में कहाँ कीड़ा लगा हुआ है और उतने क्षेत्र में ड्रोन से हम सिंचाई कर सके, और बाढ़ के क्षेत्र में अगर बाढ़ आ गई और वहाँ राशन नहीं उपलब्ध कराएं तो ड्रोन चलाने का, ड्रोन बनाने का, ड्रोन सिखाने का काम भी हमारी बेटियाँ और प्रोसेसिंग का काम हम करने वाले, ये जो मेरे विभाग के माध्यम से हम किसानों को सिखाने का काम करेंगे। चूँकि मैंने महाकाल लोक की अभी बात आपसे करी, सही ये कार्य प्रगति पर और 6 महीने में हम पूरा कर लेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मेरे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि पत्रकार साथी भी वैचारिक रूप से हम एक दूसरे की विचारधारा भिन्न भिन्न हो सकती है, पर सारंगपुर के विकास को और विकसित भारत की कल्पना के साथ, सारंगपुर को विकसित करने की कल्पना के साथ, मैंने अभी भी सम्मानित सफीक अंसारी वकील साहब बैठे थे, मैं जब सारंगपुर के मेरी बस्तियों में जाता था तो एक ध्वनि सुनाई देती थी, एक अच्छी संगीत सुनाई देता था, मेरे सारंगपुर का कपड़ा दुनिया में प्रसिद्ध था, और सारंगपुर का पगड़ी या सारंगपुर का दुपट्टा माचिस की पेटी में बंद हो जाता था, इतनी बारीक कला मेरे सारंगपुर में थी। उस कला को वापस स्थापित करना चाहता हूँ, वो प्रशिक्षण का केंद्र, वो जुला का केंद्र हम स्थापित करेंगे। रेशम का काम हमारे यहाँ धीरे धीरे कम होने लगा है। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, कृषि की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, सड़कों की बात नहीं हुई। सड़कों में हमने ये जो सड़क है, ये जो हाईवे से हाईवे तक की सड़क, ये सड़क माननीय मंत्री जी ने मुझे स्वीकृति प्रदान की है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ वो फाइल रखी हुई है। अगले बजट के पहले ही मुख्यमंत्री जी ने कुछ सड़कें बची हुई थी, अभी पटालिया ढाका से लेकर के बुलंदपुर, और साथ में हमारी गुलावता से पालिया की सड़क 30 करोड़ की स्वीकृत हुई है, और 5 या 7 करोड़ की वो सड़क है वो स्वीकृत, ये सड़क भी जल्दी स्वीकृत, ये इसके पूरे वो DPR हो गए, सब कंप्लीट हो गए, जल्दी 6 महीने में इसका काम भी मैं प्रारंभ करा दूंगा। एक प्रस्ताव मैंने और दिया है, शायद वो स्वीकृत हो गया, मुझे ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृति मिली है, मैं विश्वास से नहीं कह सकता, पर मैंने सम्मानित सांसद जी को भी कहा था, जिस हाईवे पे अपन रहते हैं, इस हाईवे से आगर वाला रोड को अगर अपन ले जाएं, और वो जो दिल्ली से जो हाईवे चल रहा है, अहमदाबाद का कौन सा है वो, कानपुर का एक्सप्रेस वे से अगर इसको डबल लाइन हम जोड़ देते हैं तो हम सीधा पहुंचेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को कागजात उपलब्ध करा दिए, आपको अखबारों के माध्यम से ये मांग करेंगे, और इससे एक्सप्रेस वे से अगर हमें जुड़ जाता है तो आगरा से झांसी से कानपुर के लोगों के लिए हमें साधन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, और 4 लाइन का वे भी हमें बाईपास के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। उनका कहना